Now, let's talk about the classification of organic compounds. See, primarily हम लोग क्या देखते हैं कि in this organic compound it is basically carbon which is the like the skeleton, जैसे हमारी हड्डियां हैं वैसे carbon है एक compound के लिए. फिर उसमें कहाँ hydrogen लगा है, कहाँ दो हड्डी हैं, कहाँ तीन हड्डी हैं, whether there are two bones or whether three bones, वो vary करता चला जाता है. तो human जैसे एक एक जो ह्यूमन है वो दूसरे ह्यूमन से थोड़ा अलग अलग होता चला जाता है, ऐसे ही कंपाउंड्स कीप ऑन वेरिंग, राइट. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो सबसे बेसिक चीज है जो आपको याद रखनी है, दैट इज अ कार्बन स्केलेटन. अब जो कार्बन स्केलेटन है बेटा, वो दो तरीके से आप बेसिकली बता सकते हैं. एक, व्हेन इट इज अ चेन और व्हेन इट इज अ साइकिल. बात समझ में आ रही है? या तो हम बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड की एज अ चेन, और वी आर टॉकिंग अबाउट अ साइकिल. ओके, तो इसको हम लोग एक फॉर्मेट लेकर के जाएंगे जहां पर हम लोग बोल रहे हैं दैट दिस इज साइक्लिक. ओके, एंड द अदर वन इज ए साइक्लिक, यानी एक में साइकिल है एक में साइकिल नहीं है. अब जहां साइकिल नहीं है इसको हम लोग ओपन चेन भी बोल सकते हैं, राइट, और साथ ही साथ हम इसको एलिफैटिक भी बोल सकते हैं. ओके, फाइन. तो ये तीनों टर्म्स आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी. ओके, अब साइक्लिक में जैसे यहां ओपन चेन बोला तो आई कैन से क्लोज्ड चेन, ओके, या फिर रिंग कंपाउंड्स जिनमें रिंग्स बन रही हैं. तो प्राइमरीली या तो क्लोज्ड है या ओपन है, एज सिंपल एज दैट. ठीक है, तो पहले इसकी बात करेंगे, उसके बाद हम लोग साइक्लिक के ऊपर आ जाएंगे. अब यहां पर मैं बात करूं ए साइक्लिक कंपाउंड्स की, तो देखिए यहां पर दो पॉसिबिलिटीज हमारे पास निकल करके आ सकती हैं. पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि ये ब्रांच्ड है, यानी चेन में कोई ब्रांचिंग हो रही है, ठीक है. और दूसरा क्या है, यहां पर क्या आ जाएगा कि ये स्ट्रेट चेन है, इसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, ठीक है. अगर एग्जांपल इसका देखना चाहते हैं साथ साथ, छोटा छोटा एग्जांपल यहां पर मैं दे देता हूं आपको. जैसे ये मान लीजिए, जैसे ये ब्रांचिंग आ गई, ठीक है, स्ट्रेट चेन देख रहे हैं, सिंपल स्ट्रेट चेन, ये स्ट्रेट चेन आ गया, ठीक है, लाइक दैट. ओके, अब ये स्ट्रेट चेन हो या ब्रांच्ड चेन हो, इन दोनों ही केसेस के अंदर आपको एक सिमिलैरिटी यहां पर ये मिल जाती, क्या कि ये दोनों ही केसेस में बेटा दे कैन बी अनसेचुरेटेड और दे कैन बी सेचुरेटेड, ठीक है, दे कैन बी अनसेचुरेटेड और दे कैन बी सेचुरेटेड. अब अनसेचुरेटेड और सेचुरेटेड में प्राइमरी डिफरेंस क्या होता है? सेचुरेटेड का मतलब होता है वेयर कार्बन इज सेटिस्फाइंग ऑल द फोर वैलेंसी. कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, सो कार्बन इज सेटिस्फाइंग ऑल द फोर वैलेंसीज बाय सिग्मा बॉन्ड ओनली. इट इज सेटिस्फाइंग ऑल द वैलेंसीज बाय सिग्मा बॉन्ड ओनली. सिर्फ सिग्मा बॉन्ड से अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है. अब वो सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाता है, क्लोरीन के साथ बनाता है, या खुद कार्बन के साथ बनाता है, हमें उससे मतलब नहीं है. पॉइंट ये है ऑल सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है. अगर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन की मैं बात करूं, यानी मैं यहां पर एग्जांपल के लिए इफ आई टॉक ओनली अबाउट हाइड्रोकार्बन्स, इन दैट केस सैचुरेटेड इज नथिंग बट एल्केन्स. सैचुरेटेड इज नथिंग बट एल्केन्स, ठीक है.
अच्छा अनसेचुरेटेड की जब हम बात करते हैं तो देर आर मेनी पॉसिबिलिटीज ओवर हियर. देखो अगर सिर्फ एक डबल बॉन्ड है तो वी कॉल इट एज एल्कीन. ठीक है, अगर दो डबल बॉन्ड हैं देन इट इज द टू डबल बॉन्ड्स इट इज अल्का डाइन. ओके, इफ देर आर मोर देन टू डबल बॉन्ड्स इट इज पॉलीडाइन्स. ओके, एंड दैट कंपाउंड विल बी टर्म्ड एज पॉली अनसेचुरेटेड. बट सिंस वी डू नॉट एक्चुअली डील विद पॉली डाइन सो आई एम नॉट राइटिंग इट ओवर हियर बट इट कैन बी पॉलीडाइन्स. इफ देर इज वन ट्रिपल बॉन्ड, अगर एक ट्रिपल बॉन्ड है देन इट इज एल्कीन. फाइन, सॉरी एल्काइन. ऐसे ही अगर दो ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्का डाइन, अगर एक डबल और एक ट्रिपल है तो एल्क इन आइन. इसका मतलब देयर इज वन डबल बॉन्ड वन ट्रिपल बॉन्ड. आई रिपीट, वन डबल बॉन्ड टू डबल बॉन्ड वन ट्रिपल बॉन्ड वन डबल बॉन्ड वन ट्रिपल बॉन्ड. इफ देयर इज इफ देयर आर टू ट्रिपल बॉन्ड्स एल्का डाइन. If there are more than two triple bonds, this is poly, like it's polydienes, like polydienes, or alka polyenes, alka polyenes. More than one double bond, more than two double bond, alka polyenes. More than two triple bond, alka polyenes. But we don't have to go up to that level. Simply rakhte hain. एक डबल बॉन्ड दो डबल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड. इफ आई हैव टू जस्ट राइट डाउन गिव एग्जांपल्स दिस इज दिस. नाउ ओवर हियर देर आर सम पॉसिबिलिटीज. जब हम एल्काडाइन्स की बात करते हैं तो देर आर सम पॉसिबिलिटीज. नाउ व्हाट आर दोज पॉसिबिलिटीज, मैं आई गिव यू द एग्जांपल बट फर्स्ट आई हैव टू गिव यू द नेम. फर्स्ट इज क्यूम्युलेटेड. क्यूम्युलेटेड मीन्स दैट द डबल बॉन्ड्स आर नेक्स्ट टू ईच अदर. से फॉर एग्जाम्पल सी एच 3 C H double bond C double bond C and say this is CH2. So double bonds are just next to each other. So this is cumulated diene. Okay, fine. The second possibility is conjugated diene. Now what is conjugated diene? Where there is alternate presence of alkenes like CH2 double bond CH single bond CH double bond CH2. Okay, so this is double single double alternate, so this is conjugated. Third case is when you are talking about isolated double bonds. Now isolated means they are not next to each other, they are not alternate, they can be anywhere. Say for example see they are not next to each other, they are not alternate, so they are isolated dienes. So there are these are the three types of alka dienes that you have to study. Alkynes, if there is a triple bond alkenine, see CH2 double bond CH single bond C triple bond CH double and triple bond. Okay, now this is an important compound, has been asked many a times. Iska common name main aapko batata hu. They ask about the common name of this compound. Common name bahut important iska, vinyl acetylene. Kafi baar pucha gaya hai ye, what is vinyl acetylene? Bachcho ko pata nahi hota. So this is vinyl acetylene. Theek hai, so I hope you have understood this part. अब जब साइक्लिक कंपाउंड्स की बात करते हैं तो दो केसेस आते हैं. ओके, आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. द फर्स्ट इज हेट्रोसाइक्लिक. हेट्रोसाइक्लिक का क्या मतलब हुआ बेटा? दैट अपार्ट फ्रॉम कार्बन देयर इज सम अदर एलिमेंट आल्सो. नाउ सी
फाइन, दिस इज अ कंपाउंड. आप ऐसे मत सोचना कि सर ने ये क्या बना दिया. ठीक है, इस कंपाउंड का नाम होता है टेट्रा हाइड्रो फ्यूरान. इट्स अ वेरी गुड सॉल्वेंट. शॉर्ट फॉर्म में हम इसको लिख देते हैं THF. फाइन, इन ट्वेल्थ क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको इसको यूज करना है. तो यहाँ कार्बन के साथ ऑक्सीजन लग गया, राइट. ऐसे अलग अलग कंपाउंड हो सकते हैं जो ऑक्सीजन लग जाए, नाइट्रोजन लग जाए, सल्फर लग जाए, राइट. सो अगर ऐसा है दोज आर हेट्रोसाइक्लिक. अगर सिर्फ कार्बन है, दीज आर होमोसाइक्लिक. दीज आर होमोसाइक्लिक, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ कार्बन की बात करनी है और कुछ नहीं बात करना. ठीक है, फाइन. अब इसमें दो टाइप होते हैं. इनफैक्ट ये जो है ये कॉमन है दोनों के साथ. यहां पर भी मतलब जैसे यहां पर हम लोगों ने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड लिखा है, वहां पर साइक्लिक के केस में भी जो है दोनों में कॉमन वो फीचर होता है. क्या मुझे यहां बनाना पड़ेगा, यहां बना लेते हैं एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक. एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक. ठीक है, तो अभी आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट हेट्रोसाइक्लिक, बिकॉज हेट्रोसाइक्लिक में आपको अभी एलिसाइक्लिक एरोमेटिक की जरूरत नहीं है. हम होमोसाइक्लिक के एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक की बात करेंगे. बट यू हैव टू रिमेंबर दैट इवन इन हेट्रोसाइक्लिक देर आर एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड. ठीक है, वो भी वहां पर भी होते हैं, लेकिन हम लोग अभी बात उसकी नहीं कर रहे हैं. ठीक है, तो यहां पर अगर एलिसाइक्लिक की बात आप करेंगे तो आपको क्या क्या. होमोसाइक्लिक में एलिसाइक्लिक की अगर मैं बात करूं तो आप बात करेंगे साइक्लोएल्केन्स की. साइक्लोएल्केन्स से फॉर एग्जांपल सारे सिंगल बॉन्ड है, देखिए दिस इज साइक्लोहेक्सेन. ठीक है बेटा, फाइन. अच्छा, और इसमें क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, आप बोलेंगे सर इसमें डबल बॉन्ड लगा दीजिए. वेरी राइट, साइक्लोएल्कीन. तो मैं एक डबल बॉन्ड लगा देता हूं, ये क्या हो गया, साइक्लोएल्कीन हो गया, राइट, फाइन. अच्छा, ऐसे ही साइक्लोएल्काइन भी हो जाता है. हम लोग सिलेबस में इसको नहीं डील करते हैं तो इसलिए मैं उसको यहां नहीं लिख रहा हूं. जो सिलेबस में आपके पूछा जाएगा दैट इज साइक्लोएल्काडाइन. अब देखिए दो डबल बॉन्ड आ गए तो साइक्लोएल्काडाइन हो गया. एरोमेटिक कंपाउंड की जब हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर, तो एरोमेटिक में ये आता है दो पार्ट में, बेंजीनॉइड जिसमें एक बेंजीन रिंग होनी चाहिए. अब आपको याद रखना पड़ेगा कि ये जो स्ट्रक्चर मैं आपके सामने बना रहा हूं, दिस स्ट्रक्चर इज बेंजीन. कम से कम एक ऐसी रिंग जरूर होनी चाहिए, तो दैट इज अ एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीनॉइड. इसका एक एग्जांपल मैं आपके साथ में और यहां पे बना देता हूं. अगर मैं यहां दो रिंग अटैच कर दूं तो ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है और ये बेंजीनॉइड है. ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि एरोमेटिक कंपाउंड हमेशा बेंजीनॉइड ही हो, नॉन बेंजीनॉइड भी होते हैं. तो दूसरा क्या आ गया, नॉन बेंजेनॉइड, यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जो कि एरोमेटिक तो हैं लेकिन उनके अंदर कोई बेंजीन रिंग नहीं है. मैं एक ही एग्जांपल यहां पर आपको यहां दूंगा. मैं आप देखिएगा इस रिंग के अंदर आपको 7 कार्बन एटम्स नजर आ रहे हैं. ओके, ठीक है, देखिए मैं इसको थोड़ा डार्कन भी कर देता हूं सो दैट आप इसको आइडेंटिफाई कर पाए आसानी से. ओके, बस ध्यान रखिएगा ये एक डबल बॉन्ड है, ये दूसरा डबल बॉन्ड है और ये तीसरा. और हाईलाइट करने के लिए इस मंदिर की चोटी पर यहां मैं प्लस चार्ज दिखा देता हूं. इस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है,
हालांकि लगाते बाहर हैं कंपाउंड से, मगर मेरे पास स्पेस कम है तो मैंने अंदर दिखा दिया। तो ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है मगर इसमें बेंजीन रिंग नहीं है, तो दिस इज नॉन बेंजेनॉइड। ठीक है, मैं इसमें फिर से बता दूं, हीट्रोसाइक्लिक में भी एलीसाइक्लिक और एरोमेटिक होते हैं, बट हमने कंसिडर नहीं किया है, हमने सिर्फ होमोसाइक्लिक का एलीसाइक्लिक और एरोमेटिक कंसिडर किया है। तो ये है पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखिए डिफरेंशिएशन थोड़ी सी और भी है, जैसे हीट्रोसाइक्लिक का मैंने बताया, काफी सारी चीजें मैंने यहाँ बताई कि यहाँ पर आपको एल्का डाई आयन भी देखने को मिल सकता है, या पॉली डाई, पॉली इन, पॉली आयन सब देखने को मिल सकता है, लेकिन वो हम लोगों को पढ़ना नहीं होता बेटा। हमारे जो 11th 12th के सिलेबस से बाहर है, हमारे जेई नीट के सिलेबस से बाहर है, इसलिए ये अगर आपको पूरी क्लासिफिकेशन याद है तो इट इज मोर देन सफिशियंट फॉर यू पीपल। ओके फाइन, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दिस पार्ट।